एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुंजो ऑफिशियल, आवर योर चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज का ब्लॉग बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है, क्योंकि इस ब्लॉग में आपको शादी की सारी रस्म दिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहला रस्म जो है वो लगन का बरी खोटाई। यहाँ पे बरी खोट रहे हैं सारे लोग, देख सकते हो। और उसके बाद जी हाँ, लगन का धान कूटना होता है, तो वो भी दिखाऊंगी। तो बनी रहिए हमारे ब्लॉग में। और अब बारी आती है जी हाँ, लगन का धान कुटाई का। तो यहाँ सबसे पहले जो होता है कोई भी रस्म में, शादी का कोई भी रस्म हो, तो उसमें खोइछा दिया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हो दूल्हे राजा जो है, मेरा भाई जो है, वो अभी खोइछा दे रहा था। उसके बाद पांच सुहागन मिलके धान कूटेंगी। तो यहाँ पे देखिए, धान कूटने से पहले ये जो समाठ होता है उसको, उसमें पिठार, सिंदूर पिठार लगाया जाता है। तो वही रस्म अभी चल रहा है। उसके बाद धान कूटा जाएगा, तो पाँच लेडीज मिल के कूटेगी। तो आप लोग देखिए, बहुत ही अच्छा लगने वाला है। मैथिल शादी कैसी होती है, किस तरह से रिचुअल यहाँ पे होता है, वो भी आप लोग को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो फिलहाल आप लोग बने रहिए और ढेर सारा प्यार दीजिए हमारे इस ब्लॉग को। अभी जो है वो मटमंगल होने वाला है, तो आप लोग बने रहिए। और यहाँ पे प्रणाम कर लीजिए हमारी जो यहाँ पे डाला है शादी का, और यहाँ पे कुलदेवी जी प्रणाम कर लीजिए। और इसके बाद मटमंगल के लिए निकला जाएगा। तो सारे लोग घर से अभी निकल रहे हैं, रास्ते में आप लोग गाना भी एंजॉय कीजिए और वहाँ साथ हमारे चलते हैं। सब बढ़िया है, लेकिन एम्हर से धूप जे मारे छे ना कैमरा सब, ओने से भी धूप मारते। मटमंगल जहाँ होगा, जी हाँ, मटकोर जिसको बोलते हैं, वहाँ आ गए हैं। तो यहाँ पे मटमंगल की रस्म होगी, तो माटी जो है वो कोड़ा जा रहा है, यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पे सिंदूर पिठार लगाया जाता है, जितना दूर लगाया जाएगा वहीं का मिट्टी उठाया जाता है। और उसके बाद यहाँ पे तेल सिंदूर का जो रस्म है वो भी होगा। तो बने रहिए और देखिए।
और यहाँ पे देख सकते हो सारे लोग, हम लोग आ गए हैं। तो अभी होता है, देखो यहाँ पे एक मेरी भाभी जो है वो सिंदूर कर रही है। जी हाँ, तेल और सिंदूर जो भी होता है, जो भी रस्म होगा उससे पहले तेल सिंदूर और खोइछा की रस्म होती है। तो तेल सिंदूर की रस्म हो गई, अब खोइछा की बारी है। तो खोइछा में 5 जो सुहागन जो मिट्टी लेके घर तक जाएंगी, जी हाँ मटकोर का मिट्टी, तो उसको दिया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरा भाई जो है मुझे खोइछा दे रहा है। तो बारी बारी से वो सारे लोगों को ऐसे ही खोइछा देगा, और कुछ हंसी मजाक भी होता है, गाना भी गाया जाता है। तो ये सारे चीज़ यहाँ पे अभी होगा, उसके बाद हम लोग घर जाएंगे। रास्ते में भी बहुत अच्छे गाना आप लोग को सुनने को मिलेगा, जी हाँ मैथिल में ही सुनने को मिलेगा। तो बने रहिए, और आगे भी बहुत सारा अभी रस्म है जो कि आप लोग को दिखाऊंगी। फिलहाल यहाँ पे देख सकते हो एक एक करके सारे लोगों को खोइछा भी दिया जा रहा है। ये मेरी चाची है, जी हाँ लालू की मम्मी, और यहाँ पे दीदी को खोइछा दिया जा रहा है। और अब सारे लोगों को खोइछा दिला गया है, तेल सिंदूर का रस्म भी हो गया है। यहाँ पे एक मेरी भाभी थी, वो तेल सिंदूर का रस्म कर रही थी। और अब यहाँ पे 5 जो थाली आप लोग देख रहे हो, इसी में मिट्टी रखाएगा। तो अभी फ़िलहाल लास्ट में वो अपनी सिस्टर, जी हाँ अर्चना मेरी जो सिस्टर है, उसको दे रहा है, और उसके बाद वो मिट्टी उसमें थाली में रखेगा। तो यहाँ पर देख सकते हो अब सारे थाली में सिंदूर और पिठार, जी हाँ अहिपन लगाया जाता है, क्योंकि ये शुभ होता है, शुभ का प्रतीक है, इसको आदमी लगाता है। और उसके बाद सारे जो जितना भी मिट्टी रखा गया है 5 जगह, तो 5 जगह उठा के सब डालेंगे थाली में। तो यहाँ पे देख सकते हो थाली में डाला जा रहा है, और उसके बाद भाभी जो है मेरी गाना गा रही है। तो आप लोग बने रहिए। और यहाँ पे देख सकते हो, जी हाँ मिट्टी को ढक के लेके घर जाया जाता है। तो यहाँ पे धोती जो होता है उसी से ढका जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हो वही रस्म हो रहा है ढकने की, उसके बाद सारे लोग हम लोग जाते हैं। तो रास्ते में गाना होता है, तो वो भी आप लोग सुनते रहिए। करके घर आ गए हैं, जी हाँ दरवाजे के बाहर ही रहा जाता है, तो पानी छींटा जाता है। तो यहाँ पे पानी छींट दी, तब सारे लोग अंदर आ गए, आ जाएंगे। और गानों के साथ यहाँ पे देख सकते हो पैर धुलाई की रस्म हो रही है, तो पैर धोया जाता है। और यहाँ पे देख सकते हो, जी हाँ जो मिट्टी आया है उसी का चूल्हा बनता है, जिस पे लावा हो जाएगा। तो ये चूल्हा पारने की रस्म यहाँ पे हो रही है, और यहाँ पे भी हंसी मजाक हो रहा है। फिर जौ भुजाई जा रहा है, जी हाँ घनसार में जौ भुजा जाता है, और यही जौ से जो होता है वो उपटन बनता है। और यहाँ पे घर पे के सारे लोग आए हैं, यहाँ पे जौ भुजाने के बाद हम लोग अब घर जा रहे हैं। तो रास्ते में गाना हो रहा है, जी हाँ बटगबनी मैथिली में बोलते हैं, वो गाया जा रहा है, होली गाया जा रहा है। तो आप लोग इंजॉय कीजिए।
उसके बाद बारी आती है जी हाँ हल्दी की, मेहंदी का भी तो साथ में, मेहंदी तो पहले ही हो गया था तो मैं सूट नहीं कर पाई थी, उसके बाद हल्दी का, तो अभी हल्दी का रस्म हुआ है तो यहाँ पे मैं हल्दी चढ़ा रही हूँ अपने भाई को, और उसके बाद डांस भी होता है तो थोड़ा बहुत डांस का भी झलक मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर होता है कुमरम। जी हाँ, फाइनली जब लड़का हल्दी पर सूटता है तो नहाने के लिए मंदिर के पास जाया जाता है, तो वहाँ भी आप लोग हमारे साथ चलिए। और यहाँ पे हो रहा है कुमरम की रस्म। जी हाँ, लड़का का नहवावन को हम लोग कुमरम बोलते हैं मैथिली में, तो वही रस्म अभी चल रहा है, तो यहाँ पे सारे लोग को खोइचा दिलाया जा रहा है। उसके बाद सारे लोग हल्दी और दही से दही लगाएंगे और एले सुबह के लगन माँ जो गाना होता है वो गाया, गीत गाया जाता है। अभी जो रस्म चल रही है कुमरम की, तो यहाँ पे देख सकते हो हमारे मैथिल में ऐसे ही लड़के को नहलाया जाता है, तो आप लोग के यहाँ कैसा होता है कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। हमारा ये छोटा सा ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा ये भी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलना, और मेरे वीडियो को एंड तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। ऐसे ही मुझे प्यार कीजिए, सपोर्ट कीजिए मेरे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली मेम्बर में शेयर करें मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्ट, और आप अपना ध्यान रखिए। अगला ब्लॉग बहुत ही जल्दी आने वाला है।